उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एससी एसटी में संशोधन का विधेयक इसी बजट सत्र में पेश होगा। भाजपा खेलेगी नई सोशल इंजीनियरिंग का दाव। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद 8 जनवरी से आदर्श चुनाव संहिता लागू है। इसी बीच केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश चुनाव पर फोकस करते हुए नई सोशल इंजीनियरिंग का दाव खेलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में 72 जातियां एससी और 6 जातियां एसटी वर्ग में है। सूत्र बता रहे हैं कि एससी में शामिल एक प्रमुख जाति को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके लिए एससी एसटी की सूची में संशोधन का बिल इसी बजट सत्र में आएगा। राज्यसभा में जिन 15 बिलों को इस सत्र के लिए सूचीबद्ध किया गया है उनमें 13वें नंबर पर उत्तर प्रदेश का ये बिल शामिल है। क्या आदर्श संहिता लागू होने के बावजूद केंद्र सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए इस तरह का विधेयक ला सकती है? इस सवाल के जवाब में संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है, इसलिए सरकार ने बिल को पेश करने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति मांगी है। संसदीय सचिवालय के अफसरों का कहना है कि आयोग की मंजूरी मिलने के बाद ही बिल पेश होगा। बजट सत्र के लिए संसद में सूचीबद्ध विधेयकों की सूची में 13वें स्थान पर संविधान अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है। इसी तरह का बिल एक झारखंड और त्रिपुरा के लिए भी है। इन बिलों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि ये दोनों बिल संसद के शीतकालीन सत्र में ही पेश किए जाने थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इन्हें टाल दिया गया है। पिछले साल तमिलनाडु में चुनाव से पहले वहां की अनुसूचित जातियों की सूची का संशोधन विधेयक पारित कर चुकी है, उसके लिए राज्य से अनुमति ली गई थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए जातीय गणित बेहद अहम है। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार 2 साल पहले 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर चुकी है, साथ ही 40 जातियों को ओबीसी सूची में रखने का इरादा जाहिर कर चुकी है। इनमें मुसलमान शाह, मुसलमान कायस्थ, मुसलमान भाट, हिंदू भाट, वैश्य, हिंदू कायस्थ, उमर बनिया आदि शामिल है। सोशल इंजीनियरिंग के लिए भाजपा दबाव में है, क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी घोषणा कर चुकी है कि अगर वह सत्ता में आई तो जातीय जनगणना कराएगी, फिर उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण देगी। चुनाव आयोग ने मंजूरी नहीं दी तो सत्र के दूसरे भाग में पेश होंगे दोनों बिल। बजट सत्र 2 हिस्सों में हो रहा है। पहले भाग में बजट का काम पूरा होना है जो 11 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद दूसरा हिस्सा 14 मार्च से शुरू होगा जो 8 अप्रैल तक चलेगा। सूत्र बता रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग ने तुरंत अनुमति नहीं दी तो ये बिल दूसरे भाग में पेश किए जाएंगे, क्योंकि तब तक 10 मार्च को विधानसभा के चुनाव नतीजे आ चुके होंगे।